आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री के बारे में, ठीक है। और हमारे रेडॉक्स साइटेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन लगभग हर साल ही देखने को मिल जाता है। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री के वर्ल्ड डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो तो आई है और यहाँ पे ओ है, ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। अब अगर आप लोग को जो है टाइट्रेशन के बेसिक्स पता हैं, ठीक है, यानी टाइट्रेशन में हमारी कौन कौन सी प्रोसीजर फॉलो होती है, अगर आप लोग वो सारी चीज़ें जानते हो तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, जो हमारी आयोडोमेट्री है और जो हमारा आयोडोमेट्री है वो हमारी आयोडीन रिडॉक्स टाइट्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है, यानी इन दोनों के अंदर ही हमारा आयोडीन यूज होगा और यहाँ पे जो टाइट्रेशन के अंदर जो रिएक्शन होगी वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपना पिछला लेक्चर रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था अपने रिडॉक्स टाइट्रेशन को, ठीक है। तो रिडॉक्स में हमारा क्या होता है, रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि जो एजेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल उल्टा होता है यहाँ पे। तो जो हमारे रिडक्शन होता है उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिनके साथ हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे ना बिल्कुल उल्टा सिस्टम रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरों का यहाँ पे क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग सिंपली कह सकते हैं ना कि जो हमारी रिडॉक्स टाइट्रेशन है उसके अंदर जो हमारी रिएक्शन है वो किसके बीच में होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। देखो रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर जो हमारे दो सैंपल होते हैं जिसमें से एक होता है एनालाइट, दूसरा होता है टाइट्रेंट, तो उसमें से कोई एक हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे कि टाइट्रेशन दैट इन्वॉल्व्स आयोडीन आर रिफर्ड एज आयोडीन टाइट्रेशन, आयोडीन एक्ट्स एज अ माइल्ड और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखो जो हमारा आयोडीन है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कैसा होता है, वीक होता है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन आप लोग सिंपली समझ गए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा आयोडीन, यानी इसका खुद का क्या होता है, इसका खुद का रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे देखो टू टाइप्स ऑफ आयोडीन टाइट्रेशन आर पॉसिबल, आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री। अब यहाँ पे देखो हम लोग बात करें आयोडोमेट्री के बारे में तो आयोडोमेट्री हमारी क्या है, आयोडोमेट्री हमारी एक टाइप की डायरेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमारी यहाँ पे क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। दे आर द टाइट्रेशन इन विच फ्री आयोडीन इज यूज। अब यहाँ पे देखो अभी आप लोग इसको हटाओ, हम लोग बहुत ही सिंपली समझते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, आयोडोमेट्री हमारी क्या है, आयोडोमेट्री है हमारी एक टाइप की आयोडीन रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, आयोडीन होता है। अब हम लोगों ने क्या देखा, आयोडीन है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो अगर ये हमारी रिडॉक्स टाइट्रेशन है तो रिडॉक्स टाइट्रेशन किसके बीच में होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में। तो अगर एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी आयोडोमेट्री है इसके अंदर जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो होता है हमारे यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, यानी कि Na2, ठीक है, Na2H2O3, तो ये होता है हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस हमारे यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब इन्हीं दोनों के बीच में डाइट्रेशन होती है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो हमारा I2 है ना ये होता है हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि आप लोग कह सकते हो ये होता है हमारे यहाँ पे टाइट्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एनालिसिस किसका करते हैं, एनालिसिस करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने सोडियम थायोसल्फेट का, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का, तो ये होता है हमारे यहाँ पे एनालाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी जो स्पेशल चीज़ है वो ये होती है कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा कि जो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है या फिर जो हमारा टाइट्रेंट होता है उसको हम लोग लेते हैं ब्यूरेट में, ठीक है, और जो हमारा एनालाइट होता है तो उसको हम लोग लेते हैं फ्लास्क में। तो यानी कि यहाँ पे एनालाइट हमारा क्या है, Na2H2O3, ठीक है, तो इसको हम लोग को लेना चाहिए फ्लास्क में और I2 को हम लोग को लेना चाहिए इसमें ब्यूरेट में, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेशल चीज़ ये होती है कि हम लोग लेते हैं I2 को अपने फ्लास्क में, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फ्लास्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन फ्लास्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग मैं जितना बोल रहा हूँ उतना समझ लो। आयोडीन को हम लोग लेते हैं फ्लास्क में और यहाँ पे ब्यूरेट के अंदर हम लोग लेते हैं अपने सोडियम थायोसल्फेट को, ठीक है, Na2H2O3।
देखो होता ये हमारा एनालाइट ही है, हम लोग एनालिसिस इसी का करेंगे, बस हम लोगों ने यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है, आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, बस हम लोगों ने सिंपली थोड़ा सा उल्टा कर दिया और यहाँ पे ये हो गया हमारे यहाँ पे एनालाइट, ठीक है, एनालाइट, और ये हो गया यहाँ पे आई टू, हमारा क्या हो गया टाइट्रेंट। तो बस यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारी टाइट्रेशन होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे Na2H2O3 का डिटर्मिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो दो चार स्टेप होती हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था टाइट्रेशन इन विच स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक सोडियम थायोसल्फेट इज नोन एज आयोडीमेट्री। अब यहाँ पे देखो एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इज डिटरमाइंड बाई चेंज इन कलर फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आई टू होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा आयोडीन होता है, हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं अपना इंडिकेटर जो कि होता है स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आई टू और स्टार्च यहाँ पे मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आई टू स्टार्च कॉम्प्लेक्स, जो कि होता है यहाँ पे ब्लू कलर का, समझ रहे हो। देखो अभी ये ब्लू कलर बाद में नहीं डेवलप हो रहा है, हम लोगों ने पहले से इसमें मिला दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया ब्लू कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं अपनी मेथोडोलॉजी में, यानी कि इसमें अंदर हम लोग कौन कौन सी प्रोसीजर करते हैं। तो फर्स्ट आयोडीन इज मिक्सड विथ KI बिकॉज जनरली इट इज़ नॉट इजिली सॉल्यूबल इन वाटर। अब यहाँ पे देखो एक स्पेशल स्टेप और होती है कि जो हमारा आयोडीन है इसको हम लोग यहाँ पे वाटर के अंदर अगर डायरेक्टली मिलाएंगे तो यहाँ पे ये इनसॉल्यूबल होती है। तो हम लोग इसको मिलाते हैं अपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोसीजर देख रहे हैं, ये हो गया हमारा यहाँ पे फ्लास्क हो गया, ठीक है, फ्लास्क। देखो यहाँ पे एक चीज़ अपने दिमाग में समझा लो कि आई टू हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड है किसके अंदर, आयोडीमेट्री के अंदर। अभी आयोडोमेट्री के अंदर यही हमारा एनालाइट बन जाएगा, तो यही हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, और उसके अंदर इनडायरेक्ट होती है अभी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आयोडीमेट्री के अंदर जो हमारा आयोडीन है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड, और इसको हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा Ki+I2 ये दोनों मिलकर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, Ki3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया, Ki को ऐड किया और I2 को ऐड किया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, Ki3। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमारा जो आयोडीन है इसने तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म कर लिया, तो हमारा आयोडीन तो यहाँ पे फ्री फॉर्म में रहा ही नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगी। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारा ना यहाँ पे फिर से डिसोसिएट हो जाता है, ये हमारा जो Ki3 है ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है K+ और I3- में, ठीक है, और उसके बाद ये I3- यहाँ पे ब्रेक हो जाता है किसमें, I3- यहाँ पे ब्रेक हो जाता है I2 में और I- में। तो यहाँ पे देखो आयोडीन है वो अल्टीमेटली हमारा फ्री फॉर्म में ही देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ पे Ki को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये हमारा आयोडीन जो है एलॉन यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने पोटेशियम आयोडाइड को यूज करते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो नाउ वी यूज स्टार्च सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर, आयोडीन विल रिएक्ट विद स्टार्च एंड फॉर्म आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स विच अपीयर्स ब्लू इन कलर। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने इस फ्लास्क के अंदर ऐड करेंगे स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च इंडिकेटर को। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्च हमारा इस I2 के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, स्टार्च I2 कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा क्या होता है ब्लू कलर का होता है। तो कुल मिलाकर हमारा सोल्यूशन यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ दिस स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विथ रिड्यूसिंग एजेंट Na2H2O3, ठीक है। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो हमारा सोल्यूशन है हम लोगों ने इसको तैयार कर लिया, ये हमारा स्टैंडर्ड है, भले हम लोगों ने इसको फ्लास्क में लिया लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब ब्यूरेट में हम लोग लेंगे अपने एनालाइट को जो कि हमारा क्या है Na2H2O3, ठीक है। अब यहाँ पे इसके और इसके बीच में आयोडीन के बीच में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है, यानी कि Na2H2O3, यहाँ पे देखो इस चीज़ को थोड़ा समझना, Na2H2O3, तो इसके अंदर भी जो हमारा मेन रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारा यहाँ पे थायोसल्फेट आयन्स है, ठीक है, यानी कि H2O3। तो यहाँ पे जो हमारा आयोडीन है ना ये हमारा डायरेक्टली इसी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो I2 हमारा यहाँ पे हमारे थायोसल्फेट आयन्स के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 2I में, 2I हमारा क्या होता है, यहाँ पे I- हमारा होता है आयोडाइड आयन्स, ठीक है, आयोडाइड। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो नाउ एट द एंड पॉइंट ऑल आयोडीन आयन रिएक्ट्स विद थायोसल्फेट आयन्स एंड कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड एंड ब्लू कलर डिसअपीयर्स। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हमारे थायोसल्फेट आयन्स है, ठीक है, ये हमारे इस आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा I2 हमारा I- में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यही तो होता है हमारे टाइट्रेशन में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को टाइट्रेशन नहीं पता तो आप लोग हमारा पहला लेक्चर देख लेना, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो जैसे जैसे ये हमारा I2 खत्म होगा ये हमारा आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होगा क्या, एट लास्ट में क्या होगा कि देखो जो हमारा ब्लू कलर था, ब्लू कलर, ठीक है,
तो ये ब्लू कलर किस वजह से था? ब्लू कलर था हमारा I2 और स्टार्च कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे हमारा एंड पॉइंट आएगा, ठीक है, तो एंड पॉइंट पे क्या होगा, I2 तो हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा और हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I- में, यानी कि आयोडाइड आयंस में। तो आयोडाइड आयंस क्या होता है, ये हमारे स्टार्च के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करते, यानी कि जो हमारा I- है और जो स्टार्च इंडिकेटर है इसके बीच में कोई रिएक्शन होती नहीं है, यानी कि जो हमारा कोई भी कलर नाता नहीं है, जो ब्लू कलर था वो हमारा क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पता चल जाता है कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि ये हमारा ब्यूरेट होता है, इसमें हम लोग लेते हैं सोडियम थायोसाइनेट, और जो हमारा यहाँ पे फ्लास्क होता है तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, स्टार्च लेते हैं और पोटेशियम आयोडाइड, ताकि हमारा आयोडीन इसके अंदर इजिली सॉल्यूबल हो सके। और फाइनली अब हम लोग बात करें आयोडोमेट्री के बारे में, तो आयोडोमेट्री इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है। देखो आयोडोमेट्री हमारी क्या थी, डायरेक्ट टाइट्रेशन, यानी उसमें हमारी सिंपल जो है टाइट्रेशन हो रही थी, लेकिन ये हमारी इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। अब इनडायरेक्ट टाइट्रेशन हम लोगों ने वोल्हार्ड मेथड में डिस्कस किया था, ठीक है, तो अगर आप लोग को नहीं पता तो वहां जाके देख सकते हो। इसमें हमारी टाइट्रेशन यहाँ पे दो बार होती है, ठीक है, बस इतना होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, यानी रिडॉक्स के अंदर तो होती है। दीज आर द टाइट्रेशन इन विच लिबरेटेड आयोडीन इज यूज्ड। अब यहाँ पे देखो मेजर डिफरेंस हमारा यहीं पे आने वाला है, ठीक है, कि जो हमारा आयोडीमेट्री था, ठीक है, जो हमारा आयोडीमेट्री था, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग आयोडीन को डायरेक्टली लेते हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली तो ले रहे थे, लेकिन जो हमारा आयोडोमेट्री है ना, इसके अंदर हम लोग आयोडीन को डायरेक्टली नहीं लेते हैं। हमारा आयोडीन यहाँ पे पहली रिएक्शन में जो है अपने आप बनता है, ठीक है, यानी इसमें हमारी दो टाइट्रेशन होती है, ठीक है, तो जो हमारी पहली टाइट्रेशन होती है उसके अंदर हमारा आयोडीन बनता है, उसके बाद यहाँ पे इसकी रिएक्शन होती है। देखो होता दोनों में आयोडीन है, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्टली लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बनता है, समझ रहे हो, अभी हम लोग देखेंगे समझ में आ जाएगा। व्हेन आई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसाइनेट, अब यहाँ पे देखो आप लोग इसको हटाओ, ठीक है, हम लोग समझते हैं। तो आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री में हमारा मेजर डिफरेंस कहाँ आने वाला है, यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे दो टाइट्रेशन होंगी, टू टाइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी पहली टाइट्रेशन है, तो बात करें हम लोग यहाँ पे स्टेप वन की, ठीक है, यानी टाइट्रेशन वन की। तो टाइट्रेशन वन में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक होता है हमारा, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे फ्लास्क, ठीक है, और ये हो गया हमारा यहाँ पे ब्यूरेट। तो फ्लास्क में हम लोग यहाँ पे लेंगे अपने पोटेशियम आयोडाइड को। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझना, देखो जो हमारी आयोडीमेट्री थी वहाँ पे हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड को लिया था, किस लिए, ताकि हमारा आयोडीन सॉल्युबल हो सके, लेकिन यहाँ पे हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको बहुत ज़्यादा एक्सेज अमाउंट में लेते हैं, ठीक है, एक्सेज, यानी यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को लेते हैं अपने पहले स्टेप में। और जो हमारा यहाँ पे टाइट्रेन होता है, ठीक है, ये होता है हमारे यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमारा टाइट्रेंट है K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट स्टेप इज डन बाय द रिएक्शन बिटवीन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 एंड एक्सेस KI, एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आयोडीन गेट्स लिबरेटेड। यानी यहाँ पे देखो होगा क्या, जो हमारा K2Cr2O7 है वो हमारा एक्सेस KI के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखो H2SO4 को हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा अच्छे से होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो फाइनली हमारा देखो क्या बन गया, 3I2, यानी कि सिंपली हमारा आयोडीन जो है बन गया, और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लिबरेटेड आयोडीन, यानी कि आयोडीन हम लोगों ने लिया नहीं है, आयोडीन हम लोगों ने बनाया है, बनाया किससे है, पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो हमारा टाइट्रेंट है वो हमारा क्या है, K2Cr2O7, और जो हमारा एनालाइट है वो हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। अब हमारा क्या बन गया, लिबरेटेड आयोडीन। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्टेप टू की, ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल आयोडीमेट्री वाला प्रोसीजर फॉलो होगा, यानी यहाँ पे जो हमारा आयोडीन बना है उसको हम लोग यहाँ पे फिर से किससे रिएक्ट कराएंगे, सोडियम थायोसल्फेट से। लेकिन यहाँ पे देखो अब जो है डिफरेंस कहाँ आने वाला है, यहाँ पे जो हमारा आयोडीमेट्री था, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारा आयोडीन था वो हमारा स्टैंडर्ड था, ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा क्या था, आयोडीन था, ठीक है, और हमारा जो एनालाइट है वो हमारा क्या था, सोडियम थायोसाइनेट, सॉरी सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, थायो सल्फेट। लेकिन यहाँ पे आयोडीमेट्री में क्या होगा, आयोडीमेट्री में जो हमारा आयोडीन है वो हमारा एनालाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनालाइट क्यों हो गया, क्योंकि आयोडीन हम लोगों ने बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पता करेंगे कि जो आयोडीन बना है वो कितना बना है, यानी कि हम लोग को आयोडीन का कंसेंट्रेशन नहीं पता होगा, क्योंकि आयोडीन हम लोगों ने लिया नहीं है, आयोडीन हम लोगों ने बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट, और इसकी मदद से क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा
एनालाइट है, ठीक है, इसमें हमारा कितना आयोडीन बना है उसको हम लोग पता लगाएंगे, बस यही हमारा मेजर डिफरेंस होता है। रिएक्शन देखो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, प्रोसीजर बिल्कुल आयोडीमेट्री वाला ही होगा, ठीक है, यानी इन स्टेप टू फर्स्ट स्टार्च सॉल्यूशन इज एडेड इन द लिबरेटेड आयोडीन विच फॉर्म्स ब्लू कलर, ठीक है, यानी यहाँ पे जो आयोडीन बना है उसमें हम लोग स्टार्च ऐड करेंगे तो क्या होगा, ब्लू कलर आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, बिल्कुल वही सारी चीज़ें नाउ वी यूज, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हमारा सोडियम थायोसाइनेट एनालाइट था और यहाँ पे स्टैंडर्ड है, यानी यहाँ पे टाइट्रेंट है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, विच रिएक्ट्स विद द लिबरेटेड आयोडीन इन द सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद हमारा वही सारी रिएक्शन है, हमारा आयोडाइड बनेगा और यहाँ पे नाउ एट द एंड पॉइंट ऑल द लिबरेटेड आयोडीन रिएक्ट्स विद थायोसल्फेट एंड प्रोड्यूस आयोडाइड एंड द इंडिकेटर डोंट शो एनी रिएक्शन विद आयोडाइड एंड हेंस ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपीयर्स, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, बस यहाँ पे जो स्टैंडर्ड और एनालाइट वाला चीज़ है तो उसको आप लोगों को थोड़ा सा रिमेम्बर रखना है। और यहाँ पे हमारी टाइट्रेशन देखो दो स्टेप में हुई है, पहली स्टेप में हम लोगों ने आयोडीन बनाया और दूसरी स्टेप में हम लोगों ने आयोडीन का टाइट्रेशन कराया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो रिएक्शन हुई है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री में एक बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे। अब देखो कभी कभी ये क्वेश्चन दो मार्क्स या मतलब थोड़ा शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे देखो उसमें आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, आयोडीन इज टेकन डायरेक्टली इन द एनालिसिस, यानी आयोडीमेट्री में क्या होता है, डायरेक्ट लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन होती किसके बीच में है, पोटेशियम आयोडाइड और यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे आयोडीमेट्री हमारा क्या है, डायरेक्ट टाइट्रेशन है, आयोडीमेट्री क्या है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे टाइट्रेशन दो बार होती है और यहाँ पे ओनली वन रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे क्या होती है, दो रिडॉक्स रिएक्शन, पहली रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, आयोडीन बनता है और दूसरी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, आयोडीन का हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है, यानी उसके बारे में पता करते हैं और उसके बाद आयोडीन ओनली गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमारी आयोडीमेट्री है, आयोडीमेट्री में हमारा क्या है, आयोडीन हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है, और हम लोगों ने इसको डायरेक्टली लिया था, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि जो हमारा आयोडीमेट्री है उसमें हमारा आयोडीन यहाँ पे रिड्यूस होता है, लेकिन जो हमारा आयोडोमेट्री है इसमें हमारा आयोडीन पहले ऑक्सीडाइज होता है बाद में रिड्यूस होता है। देखो पहले ऑक्सीडाइज कैसे होता है, जो हमारा KI है, हम लोग इसी से तो आयोडीन को बनाते हैं, तो जो हमारा KI है ये होता है हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, हमारा I2 बनता है, ठीक है, तो आयोडीन फर्स्ट गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, यानी KI के अंदर जो हमारा आयोडीन है ये पहले ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे कन्वर्ट होता है आयोडीन में और उसके बाद क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो हमारी आयोडीमेट्री है ये एक लेस कॉमन मेथड है और जो हमारा आयोडीमेट्री है ये मोर कॉमन मेथड है, यानी कि आयोडीमेट्री हमें ज़्यादा देखने को मिलती है आयोडीमेट्री के कंपेयर में। अब यहाँ पे देखो वीडियो तो हमारी खत्म हो चुकी है, बस एक छोटी सी चीज़ आप लोग और समझ लो, जो हमारा आयोडीन होता है हम लोगों ने क्या देखा, ये होता है हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन यही आयोडीन जब हमारा आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आयोडाइड में, तो आयोडाइड हमारा हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस एक छोटा सा कंसेप्ट था, यहाँ पे मान लो कभी दो नंबर में आ गया तो यहाँ पे आप लोग, तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे आज की वीडियो समझ गए होंगे, ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।